बाजी आप क्यों कर रही है, मैं कर देती हूँ। नहीं, कर लूंगी मैं खुद। तुम जाओ किचन में जरा काम देख लो, और सुनो इस कमरे के सारे काम मैं खुद करूंगी, सब मुलाजिमों को बता देना। जाओ। जी ठीक है। आप हफ्तों हफ्तों शहर में रहते हैं, कभी मेरी याद नहीं आती, बताएं। हर दफा मैं इतना इंतजार करती हूँ आपका, और हर दफा आप बस आकर चले जाते हैं, कोई बात नहीं करते। अच्छी बात नहीं है ये। बाजी बड़ी बीवी जी बुला रही हैं आपको। हाँ आती हूँ मैं। ये थोड़ा टैकी लग रहा है माँ। चेंज करवा लेंगे। लेकिन ये वाला हार बहुत प्रिटी है, डिफरेंट भी है। आई एम श्योर कुरुतलैन को बहुत अच्छा लगेगा। अच्छे तो सारे हैं तहनी, लेकिन तुम्हें क्या बताऊं, एक भी इसमें से ना नौलखे की बराबरी नहीं कर सकता। ओह गॉड, नॉट द नौलखा अगेन। तुमने देखा नहीं ना बेटे, इसलिए तुम्हें पता ही नहीं उसका। शुक्र है नहीं देखा। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि ये हवेली की खवातीन नौलखे के इश्क में कब तक गिरफ्तार रहेंगी। हमेशा। आर यू सीरियस? आज तुम एक बात बताऊं, और से सुनना मेरी बात। इंसान का माजी कभी उसका पीछा नहीं छोड़ता, बल्कि इंसान चाहता ही नहीं उससे पीछा छुड़ाना। बात सिर्फ नौलखे की भी नहीं, उससे जुड़ी उस बेइज्जती की है जो मैं सारी जिंदगी महसूस करती आई। जब मेरी शादी हो रही थी ना, तो तुम्हारी नानी ने ये हार मुझे देना था, लेकिन एकदम से तुम्हारे नाना ने ये अकबरेली को थमा दिया। क्यों? इसलिए कि वो अपने बहन के दाम में गिरफ्तार थे, उन्हीं की बात सुनते थे, जो वो कहते थे कि बस पत्थर पे लकीर हो जाता था। हवेली की इकलौती बेटी होने के नाते हवेली के सारे जेवरात पे सिर्फ मेरा हक था, जो कि मुझे नहीं मिला। और मैं ये भूल नहीं सकती। Let it go. ये पुरानी बातें कब तक दिल में रख के बैठी रहेंगी? हमेशा। You're such a sweetheart, Amma. मैं आपको बनवा के दूंगी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना। लेकिन नौलखे जैसी चीज तुम कभी नहीं बनवा सकती। तेरी। I think yeah, that's true. I wish.